गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसे हम डीयू के नाम से जानते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसे हम डीबीई के नाम से भी जानते हैं, मीनिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसे हम IHD के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। कई सारे नाम हैं लेकिन काम एक ही होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। जैसे अगर CH3 और CH3 इस तरह का एक कंपाउंड दिया हो, मिथेन, कौन सा कंपाउंड है, मिथेन, सॉरी इथेन, अल्केन का कोई एक ग्रुप हो, यह क्या है इथेन, और पूछा जाए कि इथेन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, तो हम कहेंगे कि इथेन में अब कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारे के सारे कार्बन जो है वो अपने मैक्सिमम कैटिनेशन को शो कर रहे हैं। अब इसमें कोई भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कहेंगे जीरो। अब अगर दूसरा देखिए, अगर इस तरह का हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है इथीन, अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, मतलब मिलेगा CH3 CH3। तो बच्चों कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया गया है, तो हम कहेंगे कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, इसीलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 हुआ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इस तरह का लिखा हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ करके ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH3। तो कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड किया गया, तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड किया गया, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 2। अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया हो, ये क्या है आइसोप्रोपेन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है C3H6। तो हम इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C3H8। और C3H8 क्या होता है, प्रोपेन होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3, 3, 3, 6 और 2, 8। तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो अब तक के एग्जांपल से इतना आइडिया लग चुका है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही है जो हम किसी कंपाउंड में ऐड करके
उस कंपाउंड को कहां बदल देते हैं, अल्केन में बदल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे कंपाउंड अल्केन से ही डिराइव होकर के आए हैं। किससे डिराइव होकर के आए, अल्केन से ही डिराइव होकर के आए हैं। तो हम उस कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे इस कंपाउंड में, वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहला सकता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहला सकता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी कहला सकता है। चलिए नोट कीजिए, जैसे अगर यह मॉलिक्यूल दे दिया जाए R C डबल बॉन्ड O और H, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक पाइवट है तो एक पाइवट को हटाने के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत होगी। रिक्वायर्ड कितना होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे हम लिखेंगे R C, यहां पर भी एक H, एक H पहले से था, एक O और फिर उसके साथ एक H। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया इसका, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 1। दोस्तों इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। चलिए जैसे एक कंपाउंड ये लिख दिया जाए तो कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब बार बार नहीं लिखना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके वहां दिखाना है। एक हो गया पाइवट के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और एक हो गया इस रिंग के लिए, हमेशा एक रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक होगा और पाइवट के लिए, एक पाइवट के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी एक होगा। तो इसके लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, वन पाई के लिए और वन रिंग के लिए, दैट मींस टोटल 2। अगर ऐसा लिख दिया जाए तो बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 और एक रिंग भी है तो रिंग के लिए एक, टोटल हो गया 4। ओके, अगर ऐसा नहीं दिया जाए अब बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, ये सी है तो हम कहेंगे इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया सी और इन दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन कितना हो गया 1, 2, 3 और यहां से 2, 3 और 2, 5 और प्लस 1 क्यों, एक रिंग भी है तो टोटल डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन कितना हो गया 6। मतलब अगर हम इसके इस कंपाउंड में 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दे दे तो यह मॉलिक्यूल अल्केन की तरफ बिहेव करने लगेगा। ओके, चलिए नोट करते हैं। अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए C4H7N और इससे कहा जाए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कीजिए,
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आएगा, 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 − नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम। इस फॉर्मूला को याद रखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 − नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम। चलिए इसको लिख लेते हैं, सी क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, एम क्या है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, और टी क्या है, तो नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, ट्राइवैलेंट एटम। अगर हम इसको चेक करते हैं तो डीयू कितना हो जाएगा, डीयू हो जाएगा 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना 4 + 2 − नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितना हो गया, तो 7। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना हो गया 7 प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम कितना हो गया 1। नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम कितना हो गया 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 8, 8 × 2, 10, 10 और 1, 11 11 − 7, 4, 4/2 दैट मीन्स 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया यहां पर 2। अगर पूछा जाए कि मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, तो ऐसे एटम जो केवल और केवल एक बॉन्ड बनाते हैं, जो केवल एक बॉन्ड बनाते हैं मोनोवैलेंट एटम कहलाएंगे, और जो 3 बॉन्ड्स बनाएंगे वो क्या हो जाएगा ट्राइवैलेंट एटम। इसका अगर जानना चाहे कौन कौन एटम मोनोवैलेंट होगा, तो हाइड्रोजन, इसके आइसोटॉप्स भी ले सकते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हैलोजन ले लें, कितना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ट्राइवैलेंट एटम कौन कौन सा हो जाएगा, तो बोरन, नाइट्रोजन, बोरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अल्मोनियम, फास्फोरस, अल्मोनियम, ये सारे क्या हो गए ट्राइवैलेंट एटम, और ये सब क्या हो गए मोनोवैलेंट एटम। तो बहुत आसानी से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, डाइवैलेंट एटम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तब तक हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सब एक ही है, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो 1/2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 − नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस ट्राइवैलेंट एटम। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए C5H9OH और आपसे कहा जाए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 − नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम। तो क्या लिखेंगे 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट मीन्स 5 + 2 मोनोवैलेंट एटम कितना हो गए, तो 9 और 1 10 − 10 प्लस ट्राइवैलेंट एटम कौन सा है, तो कोई भी नहीं 0।
डाइवेलेंट एटम को हम कंसीडर नहीं करते, ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है। इसको सॉल्व करेंगे 5 to the 10 और 12 माइनस 10 10 12 माइनस 10 2 बाई 2 दैट मीन्स 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 1। अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले ही बताए थे 8π1 है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 1। अगर इसको फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो चेक करें 1/2 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2, 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3 और 3, 6 और प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम 0, 3 to the 6 ये दोनों कैंसिल तो कितना हो गया 2/2 दैट मीन्स 1। चाहे फॉर्मूला से निकाले चाहे स्ट्रक्चर से निकाले दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। तो हम स्ट्रक्चर जब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला है 1/2 × 2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, ये तब लगाएंगे जब ये कंडेंस फॉर्म में दिया जाएगा। और स्ट्रक्चर रहेगा तो हम इसे डायरेक्टली देख करके लिख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर देखे कैसे लिखेंगे, जब हम हमें एक पाई वन नजर आएगा तब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा, एक रिंग नजर आएगा तब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन है कि इन सारे कंपाउंड जो आपको दिए गए हैं उन सब का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें, ड्यू कैलकुलेट करना। ड्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम प्लस ट्राइवैलेंट एटम, इस तरह से ठीक है कैलकुलेट करें। चलिए मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूं, एक रिंग है तो एक रिंग है तो डीयू कितना हो जाएगा 1, यहां पर कितना होगा तो डीयू 1 रिंग और एक और रिंग, 2 रिंग और एक पाई 1, तो डीयू कितना हो गया, एक इसके वजह से, एक इस रिंग की वजह से और एक इस पाई की वजह से, टोटल 3। फिर से डीयू कितना हो जाएगा 1, 2 और 1, 3। फिर से डीयू कितना हो जाएगा, इस रिंग के लिए 1, इस रिंग के लिए 2, पाई के लिए, पाई के लिए और पाई के लिए, तो 3 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, टोटल 5। फिर से डीयू कितना हो जाएगा, तो एक रिंग है यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड है और इस साइनाइड को देखे तो साइनाइड इस तरह का होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3, 1 यहाँ से, 4 और एक रिंग की वजह से डीयू कितना हो गया 5। यहाँ पे कैलकुलेट करें डीयू, तो इस सी डबल ओएच को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से, सी एच ओ को ऐसे लिखा जाएगा, तो कितना हो गया यहां से 1, 2, 3, 4 और रिंग की वजह से 5, 1, 2, 3, 4 और एक रिंग की वजह से 5। यहां इस कंपाउंड में ड्यू कितना होगा, तो एक यहां से, 1 यहां से 2, 1 यहां से 3, 1 यहां पर से 4 और यहां से 2, 4 और 2, 6। ड्यू कितना होगा इसके लिए, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत होगा, क्या लिखेंगे 1/2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 6 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कितना है 5 ठीक है, और प्लस ट्राइवैलेंट एटम कितना है 1। डाइवैलेंट एटम को हम लोग इस फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 6 to the 12, 12 or 2, 12 to 14, 14 or 1, 15, 15 minus 5, 10, 10 by 2, 10 by 2, 5. डीयू कितना हो गया 5। इस फॉर्मूला के लिए कितना हो जाएगा, तो डीयू इज इक्वल टू 1/2 × 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम तो कितना हो गया 20
इससे ये कैंसिल, 2 by 2 equal to 1। इसके लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 by 2 into 2 times नंबर ऑफ कार्बन एटम 14 प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम 22, कितना हो गया 14 to 28 28 or 2 30 30 minus 22 8 8 by 2 is equal to 4। इस कंपाउंड के लिए डिग्री और अनसैचुरेशन कितना हो गया 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स उस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन और मिक्स कर दिया जाए कि वो कंपाउंड अल्केन के जैसा दिखने लगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब यही होता है कि कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हुई। अगर इस तरह का कंपाउंड दे दिया जाए C3H5N3, तो DU कितना हो जाएगा 1 by 2 into 2 times नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्लस 2 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐसा दे दिया जाए कंपाउंड तब DU कितना निकालेंगे, सोच करके बताइए। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा C, और इसे कितने बॉन्ड बने हैं 3, इसका मतलब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा। ऐसा ही सिचुएशन तो सारे जगह पर है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया C8H8। अब आप आसानी से DU निकाल सकते हैं, कैसे, 1 by 2 times कार्बन एटम प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम और प्लस ट्राइवैलेंट एटम, तो ट्राइवैलेंट एटम है नहीं इसलिए छोड़ देते, 8 to the 16 or 2 18 18 minus 8 10 10 by 2, that means 5। अगर इस तरह का कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे DU पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, 8 कार्बन तो यहां था तो हो गया C8, H कितना हो गया 8 था जिसमें से एक कम गया तो कितना हो गया, सॉरी 8 कार्बन तो पहले ही से था और एक यहां पर एक्स्ट्रा है, तो C9H7N, और इसका DU आप फिर से निकाल सकते हैं कितना, 1 by 2 times कार्बन एटम प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम 7 और प्लस ट्राइवैलेंट एटम कितना 1, और इसको फिर सॉल्व कर ले।